हर्ष के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है दुर्गा पूजा में। और अभी माँ जा रही है, खराब लग रहा है पर उन नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज झारखंड, मैं हूँ शिवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं बरत तालाब के बीचों बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग NDRF की बोट पे इस वक्त हैं और जानेंगे NDRF के टीम मेंबर से कि क्या तैयारी है उनकी विसर्जन को लेकर। आइए दिखाते हैं आपको खबरों के माध्यम से कि विसर्जन को लेकर NDRF टीम की क्या कुछ है तैयारी। माँ दुर्गा को आज लोगों ने आश्रुपूर्ण विदाई दी। माँ की प्रतिमा को राजधानी रांची के विभिन्न तालाबों में विसर्जित कर भक्तों ने माँ नौ दुर्गा को अगले वर्ष फिर से आने का न्योता दिया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। राजधानी रांची के कुछ एक बड़े पूजा समितियों के पंडालों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पूजा पंडाल से माँ नौ दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। भक्त गाजे बाजे के साथ नाचते झूमते हुए माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किए। तो ही तालाबों में भक्तों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने NDRF की टीम को तैयार रखा था। NDRF की टीम मोटर युक्त 3 बोट के साथ बड़ा तालाब में तैनात थी। SMP न्यूज की टीम ने NDRF की टीम की तैयारियों का जायजा लिया। तो ये हमारी टीम ने यह भी समझने की कोशिश की जो NDRF के बोट होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, किस तरह वो पैक होकर आते हैं और कैसे फिर उनको पानी में उतारा जाता है, इस पर भी हमारी आज नजर रही, जो उन तस्वीरों से आपको हम अवगत कराएंगे। तो वहीं हमारी टीम ने बोट पर सवार होकर तालाब का भी जायजा लिया और जाना हाल। तो कैसी रही माँ नौ दुर्गा की शोभा यात्रा और NDRF टीम की कैसी रही व्यवस्था, तो वहीं विसर्जन को लेकर माता रानी के भक्तों ने क्या कहा और NDRF के अधिकारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। बहुत ही ख़राब लग रहा है कि माँ चली गई है। माँ आई थी, हम बहुत इन्जॉय किए, वैसा नहीं कर पाए जैसे कि हर साल करते, पर पिछले बार से थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना कंट्रोल में है तो थोड़ा सा कुछ हमें मंदिर से छूट मिला गया। यहाँ पे बिल्कुल बंगाली समुदाय है और उसी तरह से उसी ढांचे से पूजा होता है, सब चीज़ हमारे कल्चर के अनुसार ही होता है। और अभी टाइम पे विसर्जन के लिए भी अभी रुके हुए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 5:15 बजे टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में ही विसर्जन होगा। सिंदूर खेला है, आज का महत्व यही है कि जो सुहागन औरतें होती है, जो हमारी मम्मी है, वो माँ के चरण में अपने सिंदूर को अर्पित करके एक दूसरे को लगाती है। और हम भी बहुत ही खुशी से और बहुत ही हर्ष के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है दुर्गा पूजा में। और अभी माँ जा रही है, खराब लग रहा है, पर उनसे यही मनोकामना है कि कोरोना जल्दी से चला जाए और अगले साल हम और अच्छे से ये पर्व उनके साथ मना पाए और वो जल्दी से अगले बरस आ जाए। नवरात्र का 9 दिन कैसे बीता? नवरात्र का 9 दिन बहुत ही अच्छे से बीता, घर में बीता, सबके साथ बीता। कोरोना आया पर हम सबको और पास ले आया, सबको और एक साथ जोड़ दिया। दुर्गा पूजा में भी हम आरती में शामिल हुए पर माँ को पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए, इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, पर अगले बरस सब चीज़ बिल्कुल पहले की तरह होगा, यही मनोकामना है। आप कैसे देख रही हैं कि जैसे कोरोना काल के पहले जो दशहरा था और अभी, कैसे आपको चेंज? बहुत 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 फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। पहले के टाइम में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं माँ के साथ, हम उन्हें कुछ चढ़ा नहीं पा रहे हैं,
तो ये चीज़ उनका प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कमी लग रहा है कि माँ है पर उनके हम उन्हें छू नहीं पा रहे, उनसे आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, दूर से उनका पूजा करना पड़ रहा है, तो ये ख़राब लग रहा है बहुत ज़्यादा। यही मांगे हैं कि सब खुश रहे, अच्छे से रहे, और ये जो कोरोना आया है ये बहुत जल्दी चला जाए और हम अगले साल उनके साथ बहुत अच्छे से ये त्यौहार वापस मना पाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है NDRF टीम के सब इंस्पेक्टर, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ के सिविल प्रशासन के द्वारा हमारे NDRF को रिक्वजीशन दिया गया कि हमें मूर्ति विसर्जन के दौरान NDRF की टीम की प्रतिनियुक्ति के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, किसी प्रकार के अगर कोई हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। यहाँ पे हमारे एक टीम है, एक टीम में हमारे पास 3 बोट है, बाकी और हमारे साथ सहकर्मी हैं। ये कल भी रहेंगे। अभी तक आपने हमारे खबरों के माध्यम से देखा कि NDRF टीम की क्या कुछ है तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ कई पंडालों में अब तक माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन हो चुका है। बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो उसे भी कर लें। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।